लखनऊ के गोमती नगर थाने में कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के खिलाफ अधिवक्ता हेमचंद्र जोशी ने FIR दर्ज करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर विवादित भाषा का प्रयोग किया था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भगवान राम को लेकर भी पंकज पुनिया ने अभद्र टिप्पणी की थी। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के खिलाफ गोमती नगर के ही विराम खंड 4 में रहने वाले अधिवक्ता हेमचंद्र जोशी ने FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए गोमती नगर पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। और मैं यहां पर पंकज पुनिया जो कि AICC के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे एपेक्स बॉडी है, उनके खिलाफ एक FIR लिखाने आया हूं, क्योंकि उन्होंने जो कल शाम को करीब 6:30 बजे जो ट्वीट किया था उसमें भगवान राम के बारे में बहुत ही अश्लील और अभद्र बात करी हुई थी उन्होंने, जो कि मेरी जो है और बाकी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत किया उन्होंने। इस वजह से मैंने उनके खिलाफ़ आज गोमती नगर थाने में एक तहरीर दे रखी है और वो तहरीर की कॉपी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये रिसीविंग भी इसमें लिख रखी है इन्होंने, तो ये मैंने तहरीर आज अभी दे दी है। कुछ देर में उसकी अगर FIR जो देखी जाएगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये पंकज पुनिया के खिलाफ जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, करनाल से कहीं पर बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ मैंने ये कंप्लेंट कराई है, क्योंकि इनका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। इन्होंने जो है भगवान राम के खिलाफ तो कहा ही, सरकार के खिलाफ कहने के अलावा इन्होंने जो है अपनी एक लिमिट क्रॉस कर दी है और भगवान को एक तरीके से बहुत ही गंदी अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इस तरह की बातें कही हैं। तो मैं इनकी गिरफ्तारी की इस पर मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मेरी प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में दर्ज शिकायत तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने विवाद बढ़ता देख ट्विटर पर माफी भी मांगी है। पंजाब केसरी TV के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।